सो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया एंड मस्त होंगे। अगर आप लोग भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग को सामने न्यू कमाल फोटो एडिटिंग लेके आया है, जिसमें आप लोग को बताने वाला हूँ कि ब्रोकन हार्ट फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। सिंपली गाइस, आप लोग को सामने दिखा रहे कि आप लोग भी ऐसा सेम टू सेम फोटो एडिटिंग एंड आप लोग को ब्रोकन हार्ट फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देख लीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड कंटेंट की तरफ चलते हैं। सो मेरे प्यारे भाई लोग, देख सकते हैं गैलरी में आ चुके हैं एंड आप लोगों को गैलरी में आ जाने के सिंपली आप लोगों को दिखा दूं ओरिजिनल फोटो। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम शूट कर लिए एंड आप लोग भी कुछ इस प्रकार के पोज में शूट कर लेना है। और सिंपली आप लोग को इतना कर देने के बाद यहाँ से आप लोग को शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। शेयर पे क्लिक कर लेंगे और सिंपली मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। सो मेरे प्यारे भाई लोग, देख सकते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन आ चुके हैं एंड आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन आ जाने, सिंपली आप लोग एक बार आप लोग को बैक आ जाना है। और बैक आ जाने को सिंपली आप लोग को एक प्रीसेट दूंगा, वो आप लोग को बता देता हूँ कौन सा प्रीसेट है। सो मेरे प्यारे भाई लोग, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दूँ प्रीसेट कौन सा एंड आप लोग उसका सेम टू सेम प्रीसेट भी बना के रखे है इसी फोटो को। लेकिन आप लोग को इस बार जो ना सबसे अलग वीडियो है, सिंपली आप लोग क्या करना है, आप लोग तो स्काई ब्लू प्रीसेट देखे होंगे एंड आप लोग को इस बार आप लोग को बता देता हूँ, इस बार आप लोग को स्काई ब्लू प्रीसेट नहीं, आप लोग को सिंपली इस बार आप लोग को रेड प्रीसेट से एडिटिंग आप लोग करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, देख सकते यही प्रीसेट है, इसको आप लोग क्या करना है, थ्री डॉट कोने पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ पे देख सकते कॉपी सेटिंग ऑप्शन आएगा, सिंपली कॉपी सेटिंग पर क्लिक करना है एंड आप लोग को सही बक्से में यहाँ से डन कर देना, ठीक है। एंड आप लोग को बैक आ जाना, ठीक है, यहाँ से बैक आ जाएंगे और सिंपली देख सकते हैं प्रीसेट का तो कॉपी कर लिए एंड आप लोग को यहाँ से ओरिजिनल फोटो को ले लेना है, ठीक है। तो चलिए ओरिजिनल फोटो को ले लेते हैं। सो मेरे प्यारे भाई लोग, देख सकते हैं ओरिजिनल फोटो को ले चुके एंड आप लोग को ओरिजिनल फोटो को लेने के बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को प्रीसेट थ्री डॉट कोने पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे और सिंपली आप लोग को यहाँ पे पेज सेटिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, पेज सेटिंग पर क्लिक कर देना, ठीक है। और जैसे आप लोग पेज सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक क्लिक में आपका एडिटिंग हो जाएगा एंड आप लोग को सेम टू सेम जैसा प्रीसेट रहेगा वैसा एडिटिंग हो जाएगा एंड आप लोग को लाइटरूम का काम खत्म हो चुका है। और सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को शेयर पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को शेयर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा आप लोग को वेट कर लेना। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग जैसे ही वेट कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को शेयर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को शेयर पे क्लिक कर देते हैं एंड आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है और यहाँ से आप लोग को सीधे क्या करना है, ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है, ठीक है। ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे। सो मेरे प्यारे भाई लोग, देख सकते हो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन आ चुके हैं एंड आप लोग को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन आ जाने, सिंपली आप लोग क्या करना है, ऊपर में आप लोग को ब्रश का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है और सिंपली आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं इस ब्रश को आप लोग को सिलेक्ट कर देना, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से आप लोग को सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग को सबसे बड़ी बात होता है भाई, सेटिंग को करना, ठीक है। और आप लोग को ब्रश का सेटिंग करना सीख जाइएगा ना भाई, तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फेस को स्मूथ करने में एंड आप लोग को हार्ड तरीका से स्मूथ करने में, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, फॉलो को 5 रख लीजिएगा और स्टैंड को आप लोग को यहाँ पे 31 रख लीजिए, ठीक है। और साइज अपने हिसाब से रख लीजिए, ठीक है। इतना कर देने के बाद सिंपली आप लोग को फोटो को जूम कर लेना है एंड आप लोग को स्मूथ करना है, ठीक है। यहाँ पे फोटो को जूम करके यहाँ से आप लोग को स्मूथ करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, देख सकते हैं कितना कमाल तरीका से स्मूथ हो रहा है एंड आप लोग को बहुत ज़्यादा बवाल तरीका से स्मूथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को पता चल ही गया होगा कि कैसे स्मूथ करते हैं एंड आप लोग कौन सा ब्रश से स्मूथ करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट स्मूथ कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्मूथ कर लेते हैं। सो मेरे प्यारे भाई लोग, देख सकते हैं स्मूथ हो चुका है एंड आप लोग को बहुत ज़्यादा बवाल तरीका से स्मूथ किए। सिंपली आप लोग कुछ इस प्रकार से आप लोग को भी स्मूथ कर लेना है एंड आप लोग को स्मूथ कर देने के बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, कोने में आप लोग को बक्से का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर आप लोग क्लिक करना है एंड आप लोग को सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली फोटो को सेव कर लेना है और सीधा आप लोग को गैलरी में चले जाना, ठीक है। तो गैलरी में चले जाएंगे
तो देख सकते हैं मेरा जब फोटो है ना सेव हो चुका है। एंड आप लोगों को इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे स्मूथ करते हैं एंड आप लोगों को प्रीसेट कैसे यूज करते हैं सिंपली, ठीक है। तो आप लोगों को इतना कर देने के बाद अब बारी आता है आप लोगों को सीवी एडिटिंग करने है, ठीक है। अगर आप लोग जब भी एडिटिंग करते हैं तो सीवी एडिटिंग जरूर कीजिएगा। एंड आप लोग को सिंपली सीवी एडिटिंग करने के लिए यहाँ से आप लोग को शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। शेयर पे क्लिक कर देना है और सीधा क्या करना है, पिकार्ड एप्लीकेशन में आप लोग को यहाँ से शेयर कर लेना है। सो मेरे प्यारे भाई लोग देख सकते हैं पिकार्ड एप्लीकेशन आ चुके हैं। एंड आप लोग को पिकार्ड एप्लीकेशन आ जाने सिंपली आप लोग को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आप लोग को इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इफेक्ट पे क्लिक कर देना है और सिंपली आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ से आप लोग को आर्टिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, आर्टिस्ट पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप लोग को आर्टिस्ट पर क्लिक कीजिएगा ना भाई, तो आप लोग को यहाँ पे पेटल वन पेटल टू कुछ इस प्रकार का आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, पेटल वन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पेटल वन पे क्लिक कर देंगे और जैसे आप लोग को पेटल वन पे क्लिक कीजिएगा भाई, तो आपका फोटो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो आप लोग को डरना नहीं है और सिंपली आप लोग को इतना कर देने के बाद पेटल वन पे आप लोग को दोबारा क्लिक करना, ठीक है। तो दोबारा क्लिक कर देंगे और जैसे आप लोग को दोबारा क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को मल्टीप्लाई का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देंगे और आप लोग को मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देने के बाद फेड कितना है भाई, 50 है, ठीक है। तो 50 है ना भाई, इसको आप लोग क्या करना है, जीरो कर देना, ठीक है। जीरो कर देंगे एंड आप लोग को सिंपली इतना कर देने के बाद ऊपर में आप लोग को इरेज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इरेज पर क्लिक कर देना है और सिंपली आप लोग को इरेज वाला ब्रश को सिलेक्ट कर देना, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर देंगे एंड आप लोग को हार्डनेस दिख रहा है भाई, हार्डनेस को आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को सॉक कर देना, ठीक है। सॉक कर देंगे और सिंपली आप लोग को फोटो को जूम कर लेना, ठीक है। जूम कर देना है एंड आप लोग को ओनली फेस पर से ही इरेज करना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को ओनली जहाँ पे आप लोग को बॉडी दिख रहा है ना भाई, वहाँ पर ही आप लोग को इरेज करना है, ठीक है। आप लोग को बैकग्राउंड कपड़े हेयर पे इरेज नहीं करना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे इरेज करना है, तो चलिए फटाफट इरेज कर लेते हैं। सो मेरे प्यारे भाई लोग देख सकते हैं इरेज हो चुका है एंड आप लोग को इरेज हो जाने को सिंपली आप लोग को यहाँ से डन कर देंगे और यहाँ से आप लोग को डन कर देने के बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आप लोग को टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। टूल्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग को स्ट्रेच का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई लोग आप लोग क्या करना है, स्ट्रेच पर क्लिक कर देंगे और आप लोग को स्ट्रेच पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आप लोग को वार्प पे क्लिक करना है। वार्प पे क्लिक कर देने के बाद आप लोग को साइज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को साइज को क्या करना है, सॉ कर देना है एंड आप लोग को सॉ कर देने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ से एक बार बैक करके साइज को सॉ कर देने के बाद एंड आप लोग को हेयर को उठा देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को जितना भी आप लोग को अच्छा लगता है उतना आप लोग यहाँ पे हेयर को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद सिंपली आप लोग को डन कर देना है एंड आप लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो डाउनलोड पे आप लोग क्लिक करना है एंड फोटो को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। सो मेरे प्यारे भाई लोग आप लोग का फोटो डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को शेयर का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग को शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देंगे और सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ से फोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना, ठीक है। और जैसे आप लोग को फोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर कीजिएगा तो यहाँ पे स्कैन लेने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन ले रहा है एंड आप लोग को जैसे ही नेट काम करेगा ना भाई, तो एक क्लिक में आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो देख सकते हैं एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है एंड आप लोग को रिमूव हो जाने के सिंपली आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप लोग को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लर, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, ब्लर पे क्लिक कर देना है। ब्लर पे क्लिक कर देंगे और सिंपली आप लोग को यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना, ठीक है। देख सकते हैं लेयर पे क्लिक कर दिए एंड आप लोग को लेयर पे क्लिक कर देने के बाद आप लोग को बैकग्राउंड पे क्लिक करना है भाई। आप लोग को बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे और सिंपली आप लोग को ब्लर का ऑप्शन मिलेगा एंड आप लोग देख सकते कितना खतरनाक तरीका से ब्लर हो चुका है एंड आप लोग को एकदम इफेक्ट भी बैकग्राउंड में आ चुका है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को इतना कर देने के बाद कोने में आप लोग को शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को फोटो को एक बार आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड कर देंगे और सिंपली मेरे भाई आप लोग को यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है। शेयर पे क्लिक कर देने के बाद फिर से आप लोग को फिर से पिकार्ड एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। सो मेरे प्यारे भाई लोग देख सकते हैं पिकार्ड एप्लीकेशन आ चुके हैं एंड आप लोग को पिकार्ड एप्लीकेशन आ जाने को सिंपली आप लोग को नीचे स्क्रॉल कर देंगे और आप लोग को नीचे स्क्रॉल कर देने के बाद एडे फोटो, ठीक है, एडे फोटो पे क्लिक करना है और सीधा गैलरी में चले जाएंगे
एंड आप लोगों को गैलरी में चले जाने को जिस फोटो को आप ध्यान से सुनिएगा, जिस फोटो को आप सीवी में कन्वर्ट किए थे उस फोटो को आप लोग को ऐड कर लेना, ठीक है। दूसरा फोटो आप लोग को ऐड नहीं करना है, इसको ऐड कर देने के बाद जूम कर लेना, ठीक है। जूम कर देंगे एंड आप लोग को बराबर में रख लेना है, तो ऊपर में आप लोग को इरेज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इरेज पे क्लिक कर देना है और आप लोग को नीचे देखिएगा ना भाई, तो इन्वर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इरेजर के बगल में इन्वर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इन्वर्ट पे क्लिक करना है एंड फोटो रूम को यहाँ से आप लोग को रिमूव कर लेना, ठीक है। यहाँ पे फोटो रूम देख सकते हैं मिट चुका है एंड आप लोग को बहुत ज़्यादा बवाल तरीका से लग रहा है, फोटो एकदम बहुत धमाल मचाएगा भाई इंस्टाग्राम पे। सिंपली आप लोग को इतना कर देने के बाद यहाँ से आप लोग को डन कर देना है, ठीक है। डन कर देंगे एंड आप लोग को इसमें जितना भी PNG लगेगा ना भाई, सबको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग को वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जितना भी PNG लगेगा उसको फटाफट ऐड कर लेते हैं। सो मेरे प्यारे भाई लोग देख सकते हैं जितना भी PNG लगेगा सबको फटाफट ऐड कर चुके हैं एंड आप लोग को ऐड कर देने के बाद सिंपली आप लोग को सबसे पहले लाइट वाला PNG को सिलेक्ट कर देना है एंड आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आप लोग को ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को सिंपली ब्लेंड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेंड पे क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को स्किन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को स्किन पे क्लिक करना है और आप लोग को ब्लैक हट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मेरे जाना आप लोग को ब्लैक हट जाएगा, तो आप लोग इस प्रकार साइड में लगा लेना है एंड आप लोग को टेक्स्ट वाला PNG को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर देंगे और सेम उसी तरह भाई आप लोग को ब्लेंड पे क्लिक करना है, स्किन कर देना है और ऐसे करके आप लोग को लगा लेना है, ठीक है। लाइट के आप लोग को ऊपर टेस्ट को लगाना है, ठीक है। इतना कर देंगे और ये आप लोग को इस वाला PNG को सिलेक्ट कर देंगे और सिंपली भाई आप लोग को सेम उसी तरह ब्लैक हटाना चाहते हैं तो ब्लेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को स्किन कर देना है, ठीक है। स्किन कर देंगे एंड आप लोग कोने में लगा लेंगे, ठीक है। इतना कर देंगे और ये जो हट वाला है भाई बहुत ज़्यादा बवाल तरीका, ठीक है। ये PNG मिलता नहीं रहता है, मैं आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को ब्लेंड पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को स्किन कर दीजिए भाई, एकदम एडजस्ट हो जाएगा, एक क्लिक में दे सकते हैं लग जाएगा, ठीक है। देख सकते कितना अच्छा तरीका से सीने में लगा दिया हूँ एंड आप लोग को इतना कर देने के बाद इस वाला PNG को आप लोग कोने करके साइड में ऐसे करके आप लोग को बैठा लेना है एंड आप लोग को डन कर देना, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई लोग देख सकते कितना अच्छे तरीका से PNG एडजस्ट हो चुका है एंड आप लोग को मेरा फोटो भी बन के रेडी हो चुका है। अब इसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर देंगे तो देख सकते हैं मेरा फोटो जो डाउनलोड हो चुका है एंड आप लोग को आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।